दिल तो हर जगह से टूटा हुआ है मेरा, दिल के हर कोने हर दीवार में छेद है, मगर कोई तो हो जो झांक कर अंदर आने में दिलचस्पी रखे, झांक कर भागने में नहीं। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि ये जो तुम कर, कुछ ना कहो अब चुप ही रहो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं एकदम टकाटक यानी बिंदास हूँ। आप सब कैसे हैं? अभी इसी वक्त आपका भाई का चैनल बॉलीवुड नशा पे आके कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि गाइस हर रोज़ की तरह अभी इसी वक्त आप सबने देख रहे हैं आपका अपना चैनल बॉलीवुड नशा और मैं अभी आपके साथ हूँ आपका भाई सनी। तो चलिए गाइस पहले वीडियो शुरू कर लेते हैं। मैं अभी आप सबको दिखाने वाला हूँ और बात करने वाला हूँ इंडिया के सबसे फेमस सोशल मीडिया स्टार एंड हम सबके पसंदीदा टिकटॉक स्टार एंड एक्ट्रेस मुस्कान शर्मा के बारे में, क्योंकि गाइस मैं अभी इसी वक्त आप सबको दिखाने वाला हूँ मुस्कान शर्मा के दो तीन बहुत ज़्यादा वायरल एंड रोमांटिक अंदाज में बनाए हुए रील्स वीडियो, वो भी मुस्कान शर्मा के न्यू बॉयफ्रेंड यानी सोशल मीडिया स्टार रेहान रॉय के साथ बनाए हुए रोमांटिक रील्स वीडियो, जो कि ऑलरेडी मुस्कान एंड रेहान रॉय के ऑल फैंस के बीच बहुत ज़्यादा वायरल भी हो चुके हैं। हाँ, और एक बात है और वो है मुस्कान शर्मा की फाइनली अपने YouTube चैनल पर न्यू ब्लॉग भी आ चुका है, और गाइस इस ब्लॉग में मुस्कान शर्मा के साथ उनके न्यू बॉयफ्रेंड रेहान रॉय भी है। तो गाइस देर किस बात की, आइए देखते हैं उसके बारे में मुस्कान शर्मा ने अपने फैंस को क्या कहा है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने निभाने वालों में रखा है, फायदा उठाने वालों में नहीं। छोड़ दिया वो रास्ता। तो ये देखो सिमरन दी और मुस्कान दी कर रही है बोटिंग और आशीष और अयान कर रहे हैं टाइम पास। अनबा देख के सुसु मत करना पानी में, मालूम है मालूम नहीं पड़ेगा, बट गंदी बात। रस्सी के पास मत जाओ गाइस, मैं इस पानी में नहीं गया क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। गाइस मेरा फोन भिगाना ना यहाँ। अभी 8:15 बजे, आज पूरा दिन मतलब बहुत जल्दी उठी तो बहुत कुछ अच्छा अच्छा होने वाला है, और आज 11 बजे व्लॉग भी आने वाला है कि हम ट्रैवल कर रहे थे और गाड़ी से ट्रैवल करते करते हम ट्रक में भी पहुंच, मतलब व्लॉग आएगा तब आपको बताओगे। गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ मुझे पता है, मैंने कहा था मैं 11 बजे व्लॉग पोस्ट करूंगी और अभी 11:30 हो रहे हैं, बट मैंने कहा था और पता है ना मैं कहती हूँ तो कभी कभार थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, मैं नजरे नहीं मिला पा रही, पर मिला लेती कोई बात नहीं, थोड़ी देर में व्लॉग आ रहा है तो नेटवर्क का इशू। फाइनली हमारा व्लॉग आ गया है, मैंने कहा था 11 बजे आएगा बट अभी फाइनली आ गया। हम लोग 890 किलोमीटर आए थे और हमारी कार खराब हो गई थी तो हमको ट्रक से किसी से लिफ्ट लेना पड़ा, तो हम लिफ्ट लेके अपने लोकेशन तक हम लोग पहुंचे हैं, लेकिन हम पहुंच गए और बहुत मजा आया। हम लोग बीच बीच में रुक के भी, मतलब कार का सफर भी इतना दूर कैसे होता है आप जरूर देखना लिंक पे क्लिक करके। और ये हमारा यहाँ का लोकेशन है, ये भी ब्लॉग आएगा बहुत जल्द।